हलक से प्राण खींच लेंगे, बिल्कुल हलक से प्राण खींच लेंगे। चारा मत बनाओ, एक मिनट हम लोगों को चारा मत बनाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मत लगाओ, पूरे देश में गाड़ देंगे। और साथ में ये भी बोलते हैं, एक मिनट बोलने दीजिए। वो बोलते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र है करने से क्या फायदा? आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल है। आपके भारत में, आपके हिंदुस्तान, आपके आराध्य प्रभु श्री राम को फेसबुक में आए दिन कई लोग गाली देते हैं, कितने को सूली पचाए, क्यों गाली देगा? हलक से प्राण खींच लेंगे, बिल्कुल हलक से प्राण खींच लेंगे। वैसे हिंदू राज का निर्माण चाहिए। यदि कोई प्रभु श्री राम पे अभद्र टिप्पणी करता है, एक दिन के अंदर उसको एक दिन के अंदर फांसी चाहिए। वैसा हिंदू राज चाहिए, वैसा हिंदू राज चाहिए जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को और हिंदुस्तान मुर्दाबाद नारा लगाने वालों को एक दिन के अंदर फांसी चाहिए। वैसे हिंदू राज की निर्माण की मैं बात करता हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को सफाया कर दिया गया, कैसे देखते हैं इसको आप? क्या कहना चाहेंगे हमारे हिंदुओं के बारे में? आप देखिए ना, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, बोला गया एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकता है। उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। सुनिए, इस्लामिक देश बना, उस समय हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में क्या थी? 14%। आज संख्या कितनी परसेंट है? 0.1%। और हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों की संख्या कम थी, आज बड़ी है, क्योंकि हम यहाँ सभी सुहाग से रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते, भाईचारा बोलते हैं ना, लेकिन हिंदुओं का भाईचारा हम लोगों को भारी पड़ता है। हम लोगों को चारा मत बनाओ यार, हिंदुओं का भाईचारा हम लोगों को चारा मत बनाओ, भारी पड़ जाता है। एक मिनट हम लोगों को चारा मत बनाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मत लगाओ। वीरेंद्र शास्त्री, आपने चमत्कार की बात की, आपने चमत्कार की बात की, मैं बजरंग बली की आशीर्वाद की बात, बजरंग बली का आशीर्वाद हम लोग को शुरू से बिल्कुल पास है। वीरेंद्र शास्त्री, इसमें किसी बात की समझ लीजिए कि बड़े बड़े नेता, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, 10 से 15 लाख की संख्या सभी जातिवाद करने वाले के मुंह में काला तमाचा मारते हुए पटना की धरती पर 17 लाख की संख्या है, बिहार की 10 लाख पहुंचा लो, 17 लाख लोग पहुंचे, बड़े बड़े नेताओं के समर्थन में लोग पहुंचे हैं। बाबू के पास भी बहुत सारे, हम भी, मैं भी सच पहनता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं हिंदू प्रचारक हूँ, ठीक है। ये वस्त्र हम लोग का वस्त्र है, सप्ताह में एक दिन पहन के देखिए, अलग ऊर्जा आप लोग को मिलेगी, लगेगा आपको शक्ति बहुत है। मैं सुबह सुबह निरंतर मैं बोल रहा हूँ, शक्ति मिली, ये संकल्पित गदा है, ये जो है ये संकल्पित गदा है बजरंग बली का, समझ गए ना, और ये शक्ति प्रदान करता है। ये बोलता है कि जहाँ भी राष्ट्र की आवाज हो, जहाँ भी सनातन हित की बात हो, पहुंचो और वहाँ आवाज लगाओ। शर्माना नहीं है, ऐसे पल मैं मॉल में भी बोलता हूँ, किस प्रकार की लज्जा भाई, बहुत बार देखा है। अच्छा, किस प्रकार की लज्जा, राष्ट्र के समर्थन में आए हैं, कब तक आप यहाँ? मैं सबके समर्थन में हूँ, मैं राष्ट्र हित के समर्थन में हूँ जी। आप ही राष्ट्र की बात करते हैं, मैं आपके समर्थन में हूँ। बाबा जी, ये जो समारोह हुआ है यहाँ पे हुआ है, ये सुना जा रहा है बेतिया में होगा, आप बेतिया जाएंगे, पहुँचेंगे आप बेतिया? मैं हर संभव कोशिश करूंगा, जहाँ राष्ट्र हित में आवाज उठेगी, जहाँ सनातन हित में आवाज उठेगी, अमन कुमार वहाँ पहुँचे। मनीष कश्यप को लेके सर यहाँ पे बात हुआ है, मनीष कश्यप को लेके आप कहाँ कहाँ और किसको मतलब कि इस प्रति जागरूक करना चाहेंगे इस माध्यम से? पहले मनीष कश्यप जब जूता फायर किया गया था तो मुझे जानकारी हुई, और उसी दिन मनीष कश्यप का जन्म, मैंने होर्डिंग लगा करके बीच चौक पर मनीष कश्यप का समर्थन किया, मैं